खबर जोधपुर के बिलाड़ा से है, जहां पर बेखौफ नजर आ रहे मनचले। स्कूल की छुट्टी होते ही आवारा मनचलों के कारनामे यहां देखने को मिलते हैं। बेखौफ दौड़ा रहे तेज रफ्तार के साथ पटाखे वाली बुलेट। तो मनचलों के कारनामों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आई माता मंदिर के पड़ेर चौक का ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मामले पर बिलाड़ा पुलिस मौन है। आखिर कब लेगी पुलिस ऐसे मनचलों के खिलाफ एक्शन? तो स्कूल की छुट्टी जैसे ही होती है उसके बाद ये मनचले अपनी बाइक्स पर आते हैं और बहुत तेज आवाज इनकी बाइक के साइलेंसर्स की होती है। इन मनचलों की इन गतिविधियों से जो यहाँ से लोग गुजरते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। इसी के साथ ही सीधे तौर पर स्कूल में जो बच्चियां निकलती हैं उनके लिए भी एक बड़ा टेंशन का विषय होता है। ये मनचले इस सड़क पर इस तरीके के कारनामे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो शहर में मनचले बेखौफ हैं क्योंकि कानून से डरते नहीं हैं। अपनी बाइक पर बैठकर जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, बालिकाएं इस स्कूल के सामने से निकलती हैं, तो ये मनचले अपनी बाइकों पर बैठकर साइलेंसर की तेज आवाज निकालकर इन सड़कों से गुजरते हुए नजर आते हैं। तो इन मनचलों के कारनामों पर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। हमारे सहयोगी गोविंद फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। गोविंद, बच्चियों की स्कूल की छुट्टी जैसे ही होती है और बच्चियां बाहर निकलती हैं तो इन मनचलों का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर या कानून व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा। जी मैम, ये हर बार देखा जा रहा है कि बिलाड़ा के अंदर जब भी स्कूल की बच्चों की छुट्टी होती है, इन मनचलों द्वारा ये तेज रफ्तार और पटाखे के साथ ये बुलेट साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल। गोविंद, इन मनचलों के खिलाफ क्या कोई शिकायत अभी तक की गई लोगों द्वारा, और अगर शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, शिकायत तो नहीं की गई होगी, मगर कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। गोविंद, कितने दिनों से ये मनचले इस तरीके से आके गतिविधियां कर रहे हैं, बच्चियों को परेशान कर रहे हैं, कब से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यहाँ? ये तस्वीरें तो मैडम कई महीनों से चल रही है, मगर पुलिस प्रशासन इस पर अभी तक मौन है। गोविंद, और जानकारी दीजिए, थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि ये मामला बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आसपास के जो दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं, कब से ये सब हो रहा है, ये मनचले आखिर है कौन और पुलिस क्यों ध्यान नहीं दे रही? नंदन जी, है मनचले बिलर क्षेत्र के हैं और अक्सर देखा जा रहा है कि जब भी स्कूल की छुट्टी होती है ये अपने बुलेट मोटरसाइकिल के साथ तेज रफ्तार में और पटाखे के साथ निकलते हैं, और ग्रामीणों में आक्रोश भी है, मगर वो अब तक शायद उन्होंने शिकायत की होगी तो पुलिस ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जोधपुर में शहर में बेखौफ नजर आ रहे हैं मनचले और तेज आवाज वाली बाइकों पर साइलेंसर से आवाज निकालते हुए गलियों से गुजरते हैं, और स्कूल की जैसे ही छुट्टी होती है ये मनचले बच्चियां जैसे ही स्कूल के बाहर कदम रखती हैं उसके बाद इस तरीके की गतिविधियां करनी शुरू कर देते हैं, और ये बहुत सीरियस इशू है। स्कूल की बच्चियों को इस तरीके की ईव टीजिंग का अगर सामना करना पड़ रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो ये उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर डालता है और कानून व्यवस्था को लेकर इस तरीके की गतिविधियां बड़ा सवाल खड़े करती हैं कि आखिर इन मनचलों में क्या पुलिस का या कानून का कोई खौफ नहीं? इस तरीके की हरकतें सड़कों पर होना ये शोभा नहीं देता।